नमस्कार दोस्तों, हर साल फरवरी में राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिससे पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा अलग अलग जगह पर खर्च कर रही है जनता की भलाई के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी फरवरी में राजस्थान की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया। लेकिन फर्क यह था कि इस साल का बजट एक अंतरिम बजट था, यानी कि एक टेम्पररी बजट जो एक पूरे साल का एस्टिमेट देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव अंतरिम बजट से सरकार की ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन भी पता चलती है। तो इसीलिए आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं क्या है इस नए बजट में आम जनता के लिए और तुलना करते हैं पिछली सरकार से। इस बार बजट में सरकार का मेन फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर था। आखिर क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसको 5.14% से पिछली सरकार से बढ़ाया गया है। विभिन्न सरकारी विभाग, सेवाओं पर होने वाले खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इस साल का बजट मोदी की गारंटी से लेकर भाजपा संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मई जून में होने वाले लोकसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार की योजनाओं को बेअसर करना। दोस्तों, आप इस पाई चार्ट की मदद से ये जान पाओगे कि 50% से अधिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो सरकार ने बेहतर कार्य करते हुए जो बजट पिछली सरकार में 7,500 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 9,600 करोड़ से ज़्यादा किया है। राजस्थान सरकार ने किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें प्रारंभ में प्रावधान 2,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। दोस्तों, इस योजना में 20,000 फार्म पंप, 10,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 50,000 किसानों को तारबंदी, 5,000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट और साथ ही फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में आए तो यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। सरकार ने 1,000 करोड़ प्रस्तावित किए नए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने के लिए। दोस्तों, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगामी वर्ष में 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। दोस्तों, पेपर लीक राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। हाल ही में RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को ED द्वारा गिरफ्तार किया गया। इतिहास में यह पहला ऐसा मामला था जहां राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 317 का इस्तेमाल कर बाबूलाल कटारा को निष्कासित किया। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो वर्ष 2024 और 25 में 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए वह अनुमानित की गई है, जिससे स्टेट GDP 3.95% रहने का अनुमान है।